हेलो दोस्तों, टेक्निकल एडवाइजर में सवाल एक बार फिर आपका स्वागत करता हूँ। आज मैं आपको एक बेहतरीन ट्रिक बताने जा रहा हूँ जो कि बहुत ही मज़ेदार है ईमेल के बारे में। मेरे आजकल के दौर में सबसे पॉपुलर वेबसाइट जो है, ऐप है जो है, वो ईमेल है, किसी भी संदेश को भेजने के लिए। और किसी भी प्लेटफॉर्म हो, कोई भी प्लेटफॉर्म हो, वो ईमेल ही का ज़्यादा यूज़ करता है। जैसे आईटी कंपनी हो गई या और भी बहुत सारे ऐसे, मतलब जो भी छोटा से छोटा कंपनी, जो भी बड़ा से बड़ा कंपनी हो, वो सारे अपने अटैचमेंट ईमेल से करते हैं, अपने डॉक्यूमेंट ईमेल पे भेजते हैं। कि एम्प्लॉय हो या कोई भी वर्कर हो, जो भी हो, वो सारे ईमेल से करते हैं। और बहुत सारे ऐसे ईमेल है जो मैं अपने, जो लोग अपने पास नहीं रखना चाहते हैं और उसे डिलीट करने के लिए समय नहीं है, कि उसमें अगर 2 घंटा बैठ के उसको डिलीट किया जाए, तो आज मैं आपको एक क्लिक में जो भी फालतू मैसेज है, ईमेल है, उसे डिलीट कर सकते हैं आप, वो भी वन क्लिक में। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे करना है, और उसे ब्लॉक भी आप कर सकते हैं कि वो कभी ना आए, उस कंपनी का मैसेज कभी ना आए। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं, यहाँ पर फ्लिपकार्ट है और ये सारे के सारे फ्लिपकार्ट को मैं डिलीट करना चाहता हूँ। तो आप जब ईमेल खोलिएगा तो आपको यहाँ पर फिल्टर का ऑप्शन दिखाई देगा, यहाँ जैसा कि देख पा रहे हैं। इस फिल्टर पर क्लिक करने के बाद आप जैसा कि देख पा रहे हैं, फॉर्म का ऑप्शन है। फॉर्म का ऑप्शन पर लिख, या तो जिस ईमेल को आप डिलीट करना चाहते हैं उसका या तो ईमेल एड्रेस लिख दीजिए या उसका जो नाम है। तो मैं फ्लिपकार्ट को डिलीट करना चाहता हूँ, तो चलिए मैं फ्लिपकार्ट लिखता हूँ। और फ्लिपकार्ट लिखने के बाद आप यहाँ पर देख पा रहे हैं कि यहाँ पर ग्रेटर देन में ही डिलीट करना है और MB में चाहिए, और 1 डे या 3 डेज या 1 वीक, 2 वीक, 1 मंथ, जितना दिन का आप डिलीट करना चाहते हो आप कर सकते हैं। मैं 1 वीक का करना चाहता हूँ। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, मैंने ये सारे सेव कर लिए। और यहाँ पर क्रिएट अ फिल्टर है, क्रिएट अ फिल्टर क्लिक करने के बाद आप जैसा कि देख पा रहे हैं, डिलीट इट का ऑप्शन है यहाँ पर, और इसे डिलीट इट ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद, क्रिएट अ फिल्टर पर क्लिक करने के बाद, अब जैसा कि देख पा रहे हैं, आप जो है, आपका मैसेज सारे के सारे डिलीट हो जाएंगे। और मैंने 1 वीक का किया है इसीलिए, और बहुत सारे ईमेल है मेरे पास फ्लिपकार्ट का, तो ये सारे के सारे ऑटोमेटिक डिलीट हो जाएंगे। और फिर आपका फ्लिपकार्ट से मैसेज नहीं आएगा फालतू का, जो भी ऑफर ऑफर का है या और भी फेसबुक का होता है, जो भी है। आप, मैं आपको दिखाता हूँ, अगर फेसबुक का मेरे पास होगा तो मैं दिखा रहा हूँ। फेसबुक लिखने के बाद आप क्रिएट अ फिल्टर पर क्लिक करिएगा, और यहाँ पर डिलीट इट का ऑप्शन है, देख पा रहे फ्रॉम फेसबुक है। डिलीट इट का ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद, क्रिएट अ फिल्टर पर क्लिक करने के बाद, अब जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर बहुत सारे फेसबुक के मैसेज थे जो डिलीट हो चुके हैं। और मुझे आप वन जैसा कि आप देख पा रहे हैं, फ्लिपकार्ट के बहुत सारे मैसेज हैं मेरे पास। तो अगर आप एक बार में डिलीट करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। तो क्रिएट अ फिल्टर फ्लिपकार्ट कीजिए, और यहाँ पर डिलीट इट का ऑप्शन है, और अब डिलीट इट पर क्लिक करने के बाद, क्रिएट अ फिल्टर पर क्लिक करने के बाद, देखिए ये सारे के सारे फेसबुक हो या फ्लिपकार्ट हो, वो डिलीट हो रहे हैं। अगर आप आप जैसा कि देख पा रहे हैं, यहाँ पर अगर आप 1 ईयर का लीजिएगा तो 1 ईयर का भी लेके आप क्रिएट अ फिल्टर कर सकते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। और सेंड इट पे, डिलीट इट पे क्लिक करने के बाद, क्रिएट अ फिल्टर करने के बाद, अब जैसा कि देख पा रहे हैं, ये डिलीट हो रहा है। तो सारे के सारे आपके
इसमें आ जाएंगे और अब देख पा रहे हैं कि बहुत सारे डिलीट हो चुके हैं। मेरे पास बहुत सारा फ्लिपकार्ट का ये था, और अगर आप फेसबुक का भी करना चाहते हो तो फेसबुक के लिए आप देख सकते हैं कि फेसबुक है मेरे पास कि नहीं है। तो चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि जितने भी फेसबुक के मैसेज थे वो सारे के सारे डिलीट हो चुके हैं। फेसबुक की कोई भी मैसेज अब नहीं है। तो इसी तरह से आप डिलीट कर सकते हैं और अपने ईमेल को एक बार में खाली कर सकते हैं। तो ये अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। और ये वीडियो जो है इसमें जो है आप जो फेसबुक का किए हैं तो वो फ्रेंड रिक्वेस्ट या कोई भी फेसबुक का मैसेज जो आ रहा है आपके पास वो नहीं आएगा और वो खाली रहेगा, मतलब वो ब्लॉक हो जाएगी। अब फिर अनब्लॉक करने के बाद वो हो जाएगा, कोई बात नहीं। तो जो भी फालतू के मैसेज है उसे, जैसे जोमेटो कंपनी हो गई या कोई भी ऐसा कंपनी है जिसे आप करना चाहते हो तो वो कर सकते हो। तो इसीलिए आपको ये अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।